अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों की विगत दिनों में कई प्राइवेट कॉलेजों में परीक्षाएं संचालित हैं। इसी तरह की परीक्षाएं त्योंथर तहसील में भी हो रही हैं। यह परीक्षाएं 3 पालियों में हो रही हैं। परीक्षाओं में बनाए गए केंद्राध्यक्ष द्वारा खुलेआम परीक्षार्थियों को नकल कराए जाने के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। यह वीडियो शुक्रवार को आयोजित लॉ के पेपर के हैं, जो जागरूक युवक ने बनाकर हमें मुहैया कराया है। बताया जाता है कि परीक्षा केंद्रों के गेट में ही ताले लगा दिए जाते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि परीक्षा भवन के अंदर नकल कराई जाती होगी। इससे ही संदेहास्पद स्थिति स्पष्ट होती है, जिसे शासन प्रशासन की कार्यशैली में प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। परीक्षा केंद्रों की गुप्त वीडियोग्राफी की गई तो पता चला कि TD कॉलेज में इस समय LLB की परीक्षा हो रही है। उसका यह हाल है। नाम न लेने की शर्त पर कुछ परीक्षार्थियों ने बताया कि बड़ी मुश्किल से किसी तरह 1500 का इंतजाम किया और अच्छे नंबर की चाह में कॉलेज प्रबंधन को दिया था। अब कहा जा रहा है कि 5002 नहीं फेल करवा दूंगा। हर बार की तरह इस बार भी कुछ परीक्षाओं का केंद्र बनाया गया है। कुछ लोगों ने बताया कि कॉलेज में चल रही अनियमितताओं की शिकायत पहले भी की जा चुकी है। मासूम लोगों को डरा धमका कर अवैध वसूली कहाँ तक जाया जाए, यह तो उच्च शिक्षा अधिकारी तय करेंगे, लेकिन बच्चों के भविष्य को जिस तरह से अंधकार में किया जा रहा है, उसका दोषी कौन होगा, ये जांच का विषय है। आइए देखते हैं परीक्षा केंद्र का हाल, जो वीडियो बयां कर रहा है। परीक्षाएं चल रही हैं, काफी देर से अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर सारी गतिविधियां हो रही हैं। मोबाइल दे करके ये देखिए, टीचर ऐसे मोबाइल देते हुए हैं सारी गतिविधियाँ। ये देखिए, आधे बच्चे गायब हो गए हैं। ये देखिए नकल की क्या प्रक्रिया है।